इस तरह से दूषित हो रही थी, धीरे धीरे किडनी ट्रांसप्लांट पे आप जाते। गुरु जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं अपने पिताजी के लिए आया हूँ, वो बहुत 2 साल से बहुत बीमार थे। अपना पहले समझ लीजिए, ये रोग का स्टार्ट के थे, ये सब नष्ट हुए, कोई शेष नहीं बचा, सारे रोग कष्ट आपके स्वयं के, सब लोग रोगों कष्टों से भरे हुए थे, बस दूसरे को देखते रहो कि वो कष्ट में, वो तुमको देखता रहे तुम कष्ट में, सब एक दूसरे को देखते रहो, सबको लगता था सब ये सारे कष्ट रोग थे आपके। समझ रहे हैं ना, आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी आपके, हार्ट वॉल श्रिंक हो रहे थे, चलने में थकान महसूस होती थी, ठीक है ना। हाँ, अपेंडिसाइटिस जो है वो, उसका भी पेन होता था, पेट में दर्द आता था, रेटिना में आपके आँखों के पास पड़ रहा था, पैरों में कमजोरी आई थी, बुद्धि आपकी बंधी रहती थी, ठीक है ना, कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा था, सारा ये सब बंधा हुआ महसूस होता था आगे पीछे, हाइपरटेंशन खूब रहता था, पेशाब में इन्फेक्शन आपको हो रहा था आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन के कारण, एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, फ्रोजन शोल्डर था, दोनों हाथ प्रॉपर नहीं उठते थे, अब आप कर सकते हैं, खुल गए आपके दोनों हाथ, उठाइए हाथ दोनों, एकदम फ्री हो गए हैं, ये फ्रोजन शोल्डर आपका ख़त्म हो गया, सब एक ही दिन में हुआ, लीवर सिरोसिस हो रहा था, आंतों में अल्सर हो रहे थे और कैंसर बन रहे थे आपको पैंक्रियाटिक हेड पे, आपकी आंतों में, गुदा द्वार में और लंग्स में, ये सारे सब कष्ट गए, किडनी में भी तमाम समस्याएं आ रही थी आपकी, सूजन हो रही थी, रक्त अशुद्ध हो रहा था और यूरेटर में पस भर रहा था, पेशाब में कभी कभी रक्त आता था आपको महसूस होता था, पता नहीं आप देख पाते थे कि नहीं, लालिमा आती थी पेशाब में, लालिमा, वो भी सब नष्ट हो गया, और रक्त में भी कैंसर फैल रहा था, किडनी आपकी इस तरह से दूषित हो रही थी, धीरे धीरे किडनी ट्रांसप्लांट पे आप जाते, इस सब आपको ये पिताजी, ठीक है। अब आपके पिताजी की बात करें तो उनकी स्पाइन डैमेज, एंजाइटी डिसऑर्डर और हाइपरटेंशन खूब, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, गल ब्लैडर निष्क्रिय था, एसिडिटी होती थी, भूख बहुत कम लगती थी, मसल्स वीक हो गए थे, पैर कमज़ोर हो रहे थे नाभि से नीचे, सांस फूलती थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, ब्रेन में ट्यूमर्स थे, क्रोध की स्मृतियाँ थी खूब, स्लीप डिसऑर्डर था, प्रोस्टेट में स्वेलिंग्स थी, पेशाब करने में उनको भी कष्ट आते थे, है ना, उनको भी तमाम कष्ट थे, वो सब तमाम स्मृतियाँ, रोग कष्ट ये सब उनके नष्ट हुए, उनके रेक्टम में घाव हो रहे थे, गुदा द्वार में, और उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस भी था, पेट में रक्त दूषित हो रहा था उनका, और इसी कारण हमेशा उनको बुखार बना रहता था इन्फेक्शन के कारण, है ना। हाँ, इसके लंग्स में उनको, लंग्स में भी प्रॉब्लम था, लंग्स, हड्डियों में बुखार रहता था, जॉइंट पेन रहता था, पूरी बॉडी में जॉइंट पेन सब जगह बना हुआ था, आ रहे था, लीवर कैंसर था, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, हाँ ऐसा, और ये सारे रोग और कष्ट आपके पिताजी के, ये सभी स्मृतियाँ नष्ट की गई हैं, देख रहे हैं, और ये सारे, ये सब पिताजी के आपके थे, ये सब गंदगी हटाई गई है, ठीक है, इसीलिए अभी वो फर्स्ट क्लास, स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा गंदी गंदी थी, एक महाहवन तत्काल करिए दरबार से लेकर के निःशुल्क, महामृत्युंजय भी करिएगा ध्यान से, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसीलिए उनको श्वास लेने में समस्या होती थी सबसे ज़्यादा पिताजी को आपके, ठीक है, चेस्ट में जलन आती थी, वो भी सब नष्ट हुई, ठीक है, अब एकदम बढ़िया है, अब कोई भी कष्ट शेष नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास, और आपको हमेशा लगता था कि मैं अच्छा हूँ, घर में मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि आपके पितर आपको तमाम कष्टों की अनुभूति नहीं होने देते थे, अंदर अंदर गला रहे थे आपको, अंदर अंदर सड़ा रहे थे, एक दिन एकदम से प्रकट होते, एकदम से प्रकट होता कि आपके शरीर में इतने इतने है ना, और आपके पूरे शरीर में जगह जगह छेद छेद हो गए हैं, पूरे शरीर में अंदर सूक्ष्म में, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे सूक्ष्म जगह गंदगी होती है, ये आपको फील ना होने दे, फिर अचानक पता लगे कि हरिहर हो गया एकदम से, हाँ डॉक्टर
लोग बोलते अरे अभी तो एकदम अच्छे थे, महीने भर में क्या हो गया कि मर गए? क्यों कष्ट महसूस नहीं होने देते पितृ, और आपके कष्ट बने रहते हैं, फिर आपको भारी संकट में डालते हैं, है ना? ये सारा था। और तमाम कष्ट थे पढ़ने में, क्या गंदी गंदी बातें करें। गुरुजी बाहर से तो कुछ करवाया नहीं गया है ना? सब गंदगी गई बेटा, वो पितरों में रहती सब चली गई। ठीक है, आप बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास मस्त। एक महाहवन करिए दरबार की ओर से जो निशुल्क है, एक दिवसीय अपने को रखिए, पिताजी को रखिए, और एक लोग कोई और रख सकते हो। माँ को रख सकता हूँ, माँ माँ को, माँ को, हाँ हाँ, तीन लोग रह सकते हैं, आप रह सकते हो, मम्मी पापा को रख सकते हो, तीनों लोग का संकल्प करके कर सकते हो। गंदी गंदी स्मृतियाँ थी, और हाथ पैरों में झटके लगना ऐसा आपको फील होता था कभी कभी, झटका सा लगा अचानक से, है ना, और नर्वस ब्रेकडाउन जैसा होता था, ऐसे होता था, ऐसे लगता था कोई, ऐसे लगता था कोई कान उमेट दिया अचानक से, ये सब सोचने की गंदगी थी, फील होता था, मरोड़ देता था, अचानक से हाथ मरोड़ दिया, अचानक से लगा झटका, है ना, ये सब होता रहता था। अब सब गंदगी गई, अब कुछ विशेष नहीं। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो।